बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी वसीम अकरम एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, दैट इज बॉटम अप पार्सर। माय डियर स्टूडेंट्स, बॉटम अप पार्सर को स्टार्ट करने से पहले हम वो तमाम पिछली टर्मिनोलॉजीज जो हमने डिस्कस की, जो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, कुछ सब टॉपिक्स थे, कुछ और चीजें थी जो इसकी रिक्वायरमेंट्स में शामिल थी, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इनको अपने नेक्स्ट टॉपिक में यूज कर सकें। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात कही थी कि ये सारी चीजें जो आज हम पढ़ रहे हैं पहले लेक्चर में, वो हमारे आखिरी लेक्चर पर यूज होंगे। तो किसी भी चीज को इग्नोर मत करिए, अपने ध्यान में रखिए कि हमारे पास हर एक टॉपिक वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू तमाम लेक्चर्स का। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले कि कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं हमें एक दूसरे से बात करने के लिए। मसलन मैं नेटिव स्पीकर हूं उर्दू का और आप चाइनीज हैं। अगर हम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम जिससे फेमिलियर हैं हम उससे में बात करें, और या तो हम वो लैंग्वेज सीख लें। तो स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो हमें जरूरी है कि हमें कोई एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, या कोई मैकेनिज्म डिफाइन करना पड़ेगा, या कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि ये भाई साहब आपसे कुछ ये कहना चाह रहे हैं। आप मुझसे बात करेंगे तो जरूरी है कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जैसे इंग्लिश में बात करते हैं। तो इंग्लिश में बात करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। तो एक तरतीब है। अगर मैं आपसे कहूं कि माय नेम इज वसीम अकरम, तो आपको स्ट्रक्चर का पता है, आपको रूल डिफाइन हुए में आपको सब मालूम है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा नाम वसीम अकरम है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि माय इज वसीम नेम, तो आप कहेंगे कि भाई साहब कुछ समझ में तो आ रहा है लेकिन आपका स्ट्रक्चर गलत है, या आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। ठीक है, तो अब हम रिलेट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ कि हमारे सिस्टम को समझ किसमें आता है। आपको याद होगा हमने कुछ लैंग्वेजेस की बात करी थी, हाई लेवल, लो लेवल और मशीन लेवल, कि हम फेमिलियर हैं किसे, हाई लेवल लैंग्वेज से, हैं जी, और हमारा सिस्टम किसे है, मशीन लेवल से। और इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास दरमियान में एक असेंबली लैंग्वेज होती है जिसको हम लो लेवल कहते हैं। तो एक मैकेनिज्म है कि उसको समझाना है। हम उससे कहते हैं कि सी इन कोई भी चीज, सी आउट पाकिस्तान, उसको समझ में नहीं आता है, उसको उन्हें समझने के लिए एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है। वो कैसे होता है कि हमारे पास इनपुट आती है, वो कुछ प्री प्रोसेसर में जाती है, प्री प्रोसेसर से उसके पास क्या होता है, एक टेम्परेरी फाइल बनती है, वो टेम्परेरी फाइल एज अ इनपुट जाती है हमारे कंपाइलर को, उस ट्रांसलेटर को, वो मैकेनिज्म को जो ट्रांसलेट कर रहा है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये है हमारा कंपाइलर, क्या कर रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा मैकेनिज्म जो हाई लेवल लैंग्वेज को टारगेट कोड में चेंज कर रहा है, वो अपने कजन्स के पास भेजेगा और वहां पे जाके उसको कहेगा कि भाई साहब आप इंटरप्रेटर लिंकर लोडर और असेंबलर के पास भेजेगा, वो भाई साहब उसे कुछ सही सलामत करेंगे और आपके पास एक मशीन कोड जनरेट हो जाएगा और आपको बसीद वो वापस इनपुट की आउटपुट दे देंगे। लाइक वो इनपुट जो आपके पास आपके सीपीयू पे आ रही होती है, तो वो टाइम जो होता है, वो इनपुट जब आपके सीपीयू पे लोड हो रही होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम रन टाइम कहते हैं। तो कंपाइलर की समझ में आ रहे हैं कि वो मैकेनिज्म या वो सॉफ्टवेयर जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को
टारगेट कोड में चेंज कर रहा है वो क्या है, कंपाइलर स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने कहा कि भाई साहब हमें ये तो समझ में आ गया, हमें कुछ तरतीब भी देनी है, इसके कुछ रूल्स हैं कि भाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह हमें इसको भी डिफाइन करना है। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, एक सेंटेक्स है, वो सेंटेक्स कौन बताता था आपको याद होगा, वो सेंटेक्स हमारा क्या था, जी हाँ सीएफजी था। सीएफजी हमें बताता था कि ये कुछ रूल्स हैं, इसके हिसाब से अगर आपकी इनपुट आएगी और अगर वो कंस्ट्रक्ट हो गई तो हम कहेंगे कि भाई साहब ठीक है ये आपके रूल्स ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था, ये एक मैकेनिज्म था, एक सेंटेक्स था, जो कौन बता रहा था, सेंटेक्स बता रहा था। और सेंटेक्स क्या थे, हमारी सीएफजी थी। सीएफजी हमें बता रही थी कि इसके कुछ मैकेनिज्म हैं, ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स बता रहा था कि पहले कौन सा वर्ड आना चाहिए, दूसरा कौन सा, और आखिर में क्या आना चाहिए। तो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती थी और फिर वो उसका सेंटेक्स। अगर आपके वर्ड्स उस तरतीब में नहीं आए तो क्या कहेगा आपसे, इसका सेंटेक्स एरर है। वो कैसे आता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आ गया समझ, जी हाँ। तो उसके बाद हमने कहा कि जब वो रूल्स के हिसाब से हमारे वो तमाम टोकन्स, हमारे पास कुछ ट्रीज की सूरत में कंस्ट्रक्ट होते हैं रूल्स के हिसाब से कि हाँ ये इनपुट स्ट्रक्चर में ठीक है, इसको अब कंस्ट्रक्ट कर दो किसी ट्री के फॉर्म में। तो वो ट्री के फॉर्म में वो जो ट्रीज होती थी हम उन्हें क्या कह रहे थे, उन्हें हम पास ट्रीज कह रहे थे, याद होगा आपको हैं जी। तो पास ट्री की हमने कहा कि कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स क्या है, हमारे पास टाइप्स हैं टॉप डाउन पासर्स और बॉटम अप पासर्स हैं जी। तो टॉप डाउन पासर्स में हमारे पास क्या थे कि टॉप डाउन पासर्स में हमारे पास आते थे कि हमें पहली एग्जाम्पल ये थी कि हमने कोई एल वन किया था जो कि नॉन रिकर्सिव डिजन पासर थे जिसमें रिकर्जन अलाउ नहीं थी हैं जी, रिकर्जन अलाउ नहीं थी। तो रिकर्जन अलाउ नहीं थी इसका मतलब हमारे पास जो भी ग्रामर आएगी उसमें रिकर्जन नहीं होनी चाहिए। तो जरूरी था कि हमने कहा कि भाई साहब अगर आपको किसी एक प्रोडक्शन को यूज करना है तो आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि कौन सी वाली प्रोडक्शन किस वर्ड के लिए यूज होनी है जी। तो उसके लिए हमने कहा कि भाई साहब अगर आपको प्रोडक्शन आपके पास मल्टीपल हैं तो आपको यह चाहिए था कि आप देखा कि भाई हर एक प्रोडक्शन का पहला पहला सिंबल जो है वो देख लो कि पहला सिंबल की बुनियाद पे देखो कि ये वाली प्रोडक्शन हमें ये पहला सिंबल दे रही है तो हमें फर्स्ट मालूम कर लेने चाहिए, हर एक प्रोडक्शन का फर्स्ट मालूम करना चाहिए। फिर हमने कहा कि फर्स्ट की बेस पे ही नहीं उसके नेक्स्ट आने वाले को जो वर्ड है वो जो अगर ड्रॉ करें तो उसे फर्स्ट की बेस पे नहीं उसके फॉलो में क्या आ रहा है वो भी हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि फर्स्ट एंड फॉलो मालूम है। तो जब हम फर्स्ट एंड फॉलो मालूम करने निकले तो फर्स्ट एंड फॉलो जब हम निकालने लगे तो वहां पे हमें ये मालूम हुआ कि हम एक प्रोडक्शन का फर्स्ट मालूम करने लगे तो वापस में वही सिंबल मिल रहा था मतलब रिकर्जन आ रही थी। तो जब वो रिकर्जन आ रही थी तो हमने कहा कि भाई साहब हमारे पार्सर्स तो अलाउ नहीं करते, हमें तो फर्स्ट एंड फॉलो चाहिए, टॉप डाउन की बात कर। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई इसकी रिकर्जन रिमूव करो। अब रिकर्जन भी टू टाइप्स की थी, कौन कौन सी, एक थी हमारे पास डायरेक्ट रिकर्जन और दूसरी कौन सी थी, इनडायरेक्ट रिकर्जन, जी हां। तो इनडायरेक्ट रिकर्जन भी हमने कहा कि ये रिमूव करो, डायरेक्ट रिकर्जन भी रिमूव करो। अब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्शंस थे, एक ही नॉन टर्मिनल से निकल रहे थे, नॉन टर्मिनल का वर्ड आया तो नॉन टर्मिनल भी आपको याद होगा, बाद में डिस्कस करते हैं कि एक नॉन टर्मिनल से हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्शन है जो कि पहले पहले सिंबल उनके सेम है। तो हमने कहा कि भाई इसमें कॉमन फैक्टर ले लो, डिटर्मिनिज्म बना लो, इसको डिटर्मिनिस्टिक बनाओ, नॉन डिटर्मिनिज्म अलाउ नहीं करेंगे, कॉमन फैक्टर प्रॉब्लम अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि इसकी कॉमन फैक्टर प्रॉब्लम भी खत्म करेंगे जी। तो जब आपके पास एल एल बनाने को चाहिए तो
तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फर्स्ट एंड फॉलो। और अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो चाहिए तो आपको याद रखना है कि आपके पास डायरेक्ट रिकर्जन और इनडायरेक्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको फैलल वन बनाना है तो साथ में आपके पास नॉन डिटर्मिनिज्म भी नहीं होना चाहिए। हैं जी, नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं होना चाहिए, नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं होना चाहिए, है भाई साहब। तो नॉन डिटर्मिनिज्म खत्म कर लिया हमने, वो कैसे करते हैं वो हमारे वाली पुरानी बातें, वो हम बाद में डिस्कशन सेशन में हम कर लेंगे। वो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये हम पहले कर चुके हैं, और अगर इन्हें हमें डिस्कस करना होगा तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। हमारा टॉपिक जो आ रहा है अब, दूसरी टाइप है पार्सर की, जो कि इस टॉप डाउन से एफिशिएंट है। कि पहले हम क्या कर रहे थे कि रूट नोड से चाइल्ड नोड की तरफ आ रहे थे, अब हम चाइल्ड नोड से पेरेंट की तरफ चले जाएंगे, रूट नोड की तरफ जाएंगे। मतलब पहले बॉक्स में से चीजें निकाल रहे थे, उस बॉक्स में से एक और बॉक्स, बॉक्स में से तीसरा बॉक्स, फिर उनमें से चार बॉक्स निकले और आखिर में हमें मतलूबा चीजें मिली। अब हम क्या करेंगे कि मतलूबा चीजों को एक बॉक्स में रखेंगे, उन बॉक्सेस को हम किसी और बॉक्सेस में रखेंगे, फिर वो बॉक्सेस को हम आखिर में करके एक बॉक्स में कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही है, वो एक्सपेंड हो रही थी, ये क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्लियर हो गया, तो हमने इसको कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं कि बॉटम अप पार्सर। तो बॉटम अप पार्सर की कुछ टाइप्स हैं, बॉटम अप पार्सर की कुछ टाइप्स हैं वो क्या है, एक तो है हमारे पास एलआर पार्सर्स। जी हां, एलआर पार्सर कि हम एल मीन कि हम लेफ्ट से राइट को रीड करेंगे, कि जो हमारी इनपुट होगी वो हम कहा क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। और आर मीन राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर यूज करेंगे, तो एल आर पास है। और दूसरा हमारे पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पास। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एलआर पार्सर की बात करते हैं। तो एलआर पार्सर की चार सब टाइप्स हैं, एक हमारे पास है एलआर जीरो पार्सर, दूसरी है हमारे पास एसएलआर वन पार्सर, थर्ड है एलएलआर वन पार्सर एंड सीएलआर वन पार्सर। तो ये हरारिकली हमारे पास LR0 जो है वो लीस्ट पावरफुल पार्सर है, कि मतलब उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। और हमारे पास CLR1 पार्सर पावरफुल पार्सर है, पावरफुल पार्सर है जो कि मोस्ट पावरफुल है, जो कि कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करते हैं। अब हमारे पास इसमें कुछ कंफ्लिक्ट की बात आ गई, लेकिन कंफ्लिक्ट से पहले कि एलआर पार्सर को हमें जब परफॉर्म करना है तो उसमें हमारे पास कुछ एक्शन परफॉर्म होंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। तो टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं, एक है शिफ्ट, दूसरी है रिड्यूस, तीसरी है आपके पास क्लोजर, और चौथी है आपके पास आइटम्स, जीरो आइटम। किसकी बात करें, एलआर जीरो की बात। तो एलआर जीरो की बात करते हुए या इवन के ऑलमोस्ट बाकी सारे एक्शन परफॉर्म करते हुए हमारे पास क्या है, ये किस्म के कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे कि हम जब एक इनपुट को क्या करेंगे, इनपुट को स्टैक में पुश करेंगे और क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इनपुट पे चले जाएंगे। एक इनपुट को हम स्टैक में पुश करेंगे और नेक्स्ट इनपुट पे चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरा होगा रिड्यूस, कि एक सिंबल किसी नॉन टर्मिनल में, वो बॉक्स की बात याद करें, कि एक सिंबल किसी नॉन सिंबल में रिड्यूस हो गया, तो यहां पे हमारा इंक्रीमेंट इनपुट की तरफ नहीं होगा, हम फिर चेक करेंगे कि वो कैसे होगा, ये बात की बात है, ठीक है।
जब आपका इनपुट एट ईच रिडक्शन स्टेप, जब आपका इनपुट स्टैक में जाएगा, पुश होगा, शिफ्ट होगा, पुश या शिफ्ट एक ही बात है, जब पुश होगा या शिफ्ट होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इनपुट में इंक्रीमेंट हो गया, हमारा सिंबल तो चूंकि स्टैक में चला गया तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इनपुट की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है हमारे पास क्लोजर की। तो क्लोजर का मतलब क्या होगा कि जब भी हम किसी नॉन टर्मिनल को रीड करने जा रहे होंगे, जब भी हम किसी नॉन टर्मिनल को रीड करने जा रहे होंगे तो हम उस करंट स्टेट पे उसकी तमाम पॉसिबल जो प्रोडक्शंस हैं उनको हम सब ड्रॉ कर लेंगे, उन सब को हम लिखेंगे, उन तमाम इनपुट को, और फिर वो जो ड्रॉ होंगी वो सब की सब जीरो से स्टार्ट होगी, लाइक जीरो आइटम से स्टार्ट होंगे। जीरो आइटम क्या है कि हम जब एक इनपुट को रीड करने जैसे हम एल वन की बात कर रहे थे, तो जब हमारे पास एक सिंबल को हम बात करते थे तो इसका मतलब हम एक करंट सिंबल की बात कर रहे हैं, जबकि जीरो आइटम की बात यह है कि उससे हम पहले ना हमें पिछली का पता है, हम प्रीवियस जो भी सिंबल्स हैं उनको कंसीडर कर रहे हैं कि वो सारे जो सिंबल्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं और नेक्स्ट जो भी आएगा हम उसको रीड करेंगे। तो उनके दरमियान में, तो किसी भी सिंबल को रीड करने से पहले हम जीरो प्लेस पे एक डॉट लगा लेंगे कि नेक्स्ट जो भी आएगा हम उसको रीड कर लेंगे, प्रीवियस को जो भी होगा वो हम रीड कर चुके, तो मिड में डॉट आ जाएगा। तो जब वो डॉट रीड होते होते एंड पे पहुंचेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारी तमाम सिंबल क्या है, रिड्यूस हो चुके। ये हम थोड़ा सा पहले क्लास में ओवरव्यू ले चुके, लेकिन जब हम इसके बाद एग्जांपल करेंगे, अभी ये वही बातें दोहरा रहे हैं कि अगर हम इस बात में अभी इसको एक एग्जांपल से करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप बस इसको फिलहाल नोट करिए, कुछ बातें मैं जहन में बिठा रहा हूं, जीरो आइटम, कुछ क्लोजर, कुछ शिफ्ट एंड रिड्यूस, तो ये सारी बातें आप अपने जहन में रखिएगा। हमें एक ग्रामर चाहिए होगी, तो मैंने कहा कि ग्रामर जो भी चाहिए हम पेरेंट नोड को क्या करेंगे, हम उसमें स्टेट जीरो में या वन में जो हमारे इनिशियल स्टेट है वहां पे रख लेंगे। तो अगर उसके शुरू में हमें कहीं पे भी जीरो आइटम के बाद अगर हमें नॉन टर्मिनल मिला तो हम उसका क्लोजर लिख लेंगे, अगर हमें फर्दर भी क्लोजर मिला, नॉन टर्मिनल मिला, तो उसका क्लोजर लिखेंगे। और जब तक हमें जीरो आइटम के बाद डॉट के बाद अगर हमें कोई भी नॉन टर्मिनल मिलता रहेगा तो हम उसका क्लोजर बनाते जाएंगे जब तक कि हमें टर्मिनल नहीं मिलेगा, कि डॉट के बाद कोई टर्मिनल ना आ जाए, समझ आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे कि एक जीरो स्टेट बना देंगे या पहली स्टेट बन जाएगी, इनिशियल स्टेट बन जाएगी, उस इनिशियल स्टेट से हम जीरो आइटम के बाद का जो एक एक सिंबल है, हर उस स्टेट से एक एक सिंबल से हर एक प्रोडक्शन को मूव करेंगे। कैसे करेंगे, बाद की बातें, ये बातें आपको समझ में आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप जिस तमहीद समझे कि ये तमहीद है, तमहीद को आप लिख लें, कुछ समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही हम वहां पर पहुंचेंगे हमें समझ में आ जाए, क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कैनोनिकल कलेक्शन की सूरत में जीरो स्टेट बनानी पड़ेगा और वन स्टेट, जब तक के हमारे जीरो आइटम वो डॉट हर प्रोडक्शन के एंड तक नहीं पहुंच जाते कि सारी प्रोडक्शन को हम रीड कर चुके, वो भी जो हमारी इनिशियल में थी और वो भी कि जो हमारे पास क्लोजर की सूरत में है। आ रही समझ, तो जैसे बात की हमने कि अगर जीरो स्टेट में क्लोजर वाली सारी बातें हम लिख रहे हैं, सारी प्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो रूट नोड के पेरेंट नोड जो है उसको भी तो हमें क्लोजर बनाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, एक ऑगमेंटेड ग्रामर लेनी पड़ेगी, ऑगमेंटेड मतलब एक इजाफी ग्रामर लेनी पड़ेगी, और वो कोई भी नॉन टर्मिनल होगा, वो हमारी ग्रामर का हिस्सा इस सेंस में नहीं है कि रिजल्ट हमारे वो ऑगमेंटेड ग्रामर के पेरेंट नोड में नहीं आएगा, वो जो
ऑगमेंटेड ग्रामर का चाइल्ड नोड होगा, उसमें रिजल्ट आगे स्टोर होंगे। हम क्यों उसको ले रहे हैं ऑगमेंटेड को, ताकि हम उसका भी क्लोजर ले सकें, उससे पहले भी डॉट लगा सकें। हैं जी, तो ये है हमारा LR0 पार्सल का पहला स्टेप। क्या करना पड़ेगा, कैनोनिकल कलेक्शन बनानी पड़ेगी, कुछ स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें एक पार्सिंग टेबल बनाना पड़ेगा। सिंबल उसमें सारे आएंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सिंबल आएंगे, जिसमें हम शिफ्ट और रिड्यूस का कुछ काम करेंगे कि कौन सा सिंबल शिफ्ट हो रहा है, कौन सा सिंबल रिड्यूस हो रहा है, वो कैसे हो रहे हैं, वो बात की बातें, ठीक है। और जब आपको ये सारे एक्शंस परफॉर्म करते हुए उसमें से कुछ आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, हमारे पास पहला कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम कहते हैं शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा है रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कि हमें एक पर्टिकुलर स्टेट पे हमें समझ नहीं हो रहा होगा कि क्या मैं सिंबल को शिफ्ट करूं इनटू द स्टैक, या फिर ये मेरी इस स्टेट पे मैं पूरी प्रोडक्शन को रीड कर चुका हूं उसको मैं रिड्यूस करूं। तो अगर हमारे पास चार प्रोडक्शंस हैं तो वो चार प्रोडक्शन किसी एक सिंबल में रिड्यूस हो रही है, तो मतलब हमें ये समझ में नहीं आ रहा होगा। सपोज चार प्रोडक्शंस हैं, चार रिड्यूसेस हैं, लाइक ए ड्राइव्स बी सी डी और ई ड्राइव्स एफ जी एच, दो प्रोडक्शंस हैं, तो हमारे पास हमें समझ नहीं हो रहा होगा कि बी सी डी ई ए में रिड्यूस हो रहा है या दूसरी प्रोडक्शन उसके अपने पेरेंट नोड में रिड्यूस हो रही है। तो ये सारी हमें डिटरमिन करने के लिए हमें बस समझ नहीं आ रही होगी, हमें डिटरमिन नहीं हो रहा होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, हमें समझ नहीं हो रहा होगा शिफ्ट करें या रिड्यूस करें, या एक प्रोडक्शन रिड्यूस नंबर वन को रिड्यूस करें या रिड्यूस नंबर थ्री को रिड्यूस करें, हमें समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसके सॉल्व कैसे करते हैं, और जब आपके पास वो किसी इनपुट को हम उस प्रोडक्शन पे रखेंगे और उसको हम जब सॉल्व करते जाएंगे, तो अगर हम आखिर में हमारी तमाम इनपुट्स रीड हो चुकी और वो स्टैक में पुश हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वो इनपुट एक्सेप्ट हो गई है और उसमें कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं होती है तो हमारा सिस्टम यहीं पे रोक देगा और कहेगा कि ये सिंटैक्स एरर है, वापस जाओ, दोबारा से इनपुट करो और फिर मैं आगे अपने कजन्स के पास भेजूं, ठीक है। तो नाजरीन, हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में एक एग्जांपल लेंगे और LR0 पार्सल को डिस्कस करेंगे। ये जो आज की बातें थोड़ी कंफ्यूजन मालूम हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, इन सब टर्म्स को ऑटोमेटिकली हमारे जहन में एक्सप्लोर कर जाएंगे। क्यों, मास्टर जी तो ये कहना चाह रहे थे, हैं जी, तो मास्टर जी जो ये अभी कहना चाह रहे हैं वो आपके नेक्स्ट में आएंगे, तो ये सारी बातें अपने आप आपके जहन में रिकॉल हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना चाह रहा था भाई साहब, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम LR0 की कुछ एग्जांपल करेंगे, उसे समझेंगे और ये सारी बातों को भी हम उससे रिलेट करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।